अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कहाँ से आए? हम राजनपुर से आए जनाब। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम जैद हुसैन है। आपका नाम क्या है? गुलाम नाजुक। गुलाम नाजुक। इनके वाले साहब का नाम मोहम्मद यूनस है। मोहम्मद यूनस साहब। अच्छा, इन बच्चे के साथ क्या मसला था? बच्चे के साथ था, ये तकरीबन 6-7 माह से ये बच्चा जो है ना टेंशन में था। अच्छा। दर्द उठता था कहीं से, थोड़ी थोड़ी खांसी आती थी। हमने बहुत पीरों को दिखाया, अपने इलाके के जितनी हमारे पीर हैं, तकरीबन राजनपुर भी गए, टिब्बी लुंडान भी गए, हमारे पीरों के पास गए, दरवेशों के पास गए, उसने क्या बताया? मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, उसी खांसी का फायदा नहीं। डॉक्टर के पास गए आप? डॉक्टर के पास गए? फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, हमारे जिले राजनपुर के डॉक्टर हैं, इवन हम मुल्तान तक भी गए हैं। अच्छा। अपने जामपुर में भी हमारा डॉक्टर मुख्तियार साहब है, प्रोफेसर है, हमने उसको भी दिखाया है। उसने कहा नफसियाती मामला है, तो उन्होंने इसके नाक में कोई नाली डाली तो थोड़ा सा फर्क पड़ा 2 दिन के लिए। फिर हमें वहाँ पता चला कि मरी में ये पीर साहब रहते हैं। ये पीर साहब की एड्रेस किसने दिया? आपने नेट में देखा या किसी ने बताया? नहीं, नेट में भी देखा था। वहाँ पर एक हमारा हाफिज कुरान है, हमारे मस्जिद का इमाम है ना, क्या नाम है उसका पता नहीं, उसका नाम हमें नहीं आता। मौलवी सरदार मोहम्मद, वहाँ मस्जिद वाला बदराव बोलते हैं उस जगह का नाम, वहाँ पर वो मस्जिद में इमाम उन्हीं उन्होंने दिया है हमें, मतलब ये पीर साहब का एड्रेस। तो हमने स्पेशल कार किया है वहाँ से, हमारा काम नहीं है उधर से। मतलब आप पीरों के पास गए, दरवेशों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, कितना खर्च किया आपने? खर्चा तो बहुत कर गया, तकरीबन मोटे 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 हमारा 1.5 लाख के करीब करीब जरूर हुआ है। अच्छा, अभी आप लोग अस्ताने में आए थे, किसी ने डिमांड तो नहीं किया ठोकने के बारे में? पीर साहब ने इलाज किया, किसी ने इलाज के बारे में डिमांड तो नहीं किया? किसी हवाले से हमें टोकन लेने में भी टेंशन हुई, चूंकि हमें मेरिट पे टोकन मिला है और हमें खाना भी मिला है, रात हमने खाना भी यहीं पे खाया है। बिस्तरे के लिए भी हमें डिमांड हुई थी, हम यहाँ सोए नहीं है, आगे होटल पे जाकर सोए थे। हमें इस पीर साहब के इससे हमें कोई किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई। और मजे की बात यह है कि मेरिट के ऊपर उन्होंने देखा है, कोई ये नहीं हुआ कि मेरिट से आगे पीछे उनका टोकन जो चला हुआ था और टोकन से आगे पीछे हमने नहीं देखा किसी को कि जाकर दिखाया हो, सिफारिश नहीं चलती थी यहाँ पर। पीर साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपने इलाकों को? आप लोगों को पैगाम अपने पैगाम देने के लिए कहेंगे? हमने इस बच्चे को पीर साहब ने देखा, ये बच्चा 15 दिन से नहीं बोल रहा था, हम अच्छा। लोग बहुत टेंशन में थे। पीर साहब ने इनका हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ी, तो बच्चा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा और बच्चा आपके सामने खड़ा है, तिलावत की अभी बोल रहा है, इसने कुरान मजीद की तिलावत की है। वहाँ पर पीर साहब ने स्पेशली कहा है कि ये बच्चे को बोलो ये तिलावत करे, और बच्चे ने इलाके के बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं आप जी? आपने इलाके के बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं पीर साहब के बारे में, अस्ताने के बारे में? बारे में हम इंशाल्लाह मुतमईन हैं, अल्लाह इनकी बड़ी उम्र रखे, बहुत इज्जत दे। हम लोग तो अपने पेशेंट के हवाले से मुतमईन है, और यहाँ पर हमने जिन लोगों का इंटरव्यू किया वो लोग भी किसी ने मतलब ये बात नहीं की कि हमें फायदा नहीं हुआ। दूसरी बार आए तो फायदा हुआ, पहली बार आए तो इंटरव्यू लोग उसे लेते हैं, लोग यही कहते हैं कि हमें फायदा हुआ है इस बात का। पीर साहब से मिले, मोबाइल नंबर ये लो, वीडियो पूरे 0333-6455-218। बच्चे आपका नाम क्या है? मोहम्मद जायद। जायद बेटा आप तिलावत करो ना। करो तिलावत करो। तिलावत औज़ु बिल्लाह सभी करे पढ़ना रे नहीं नहीं थे पढ़ छोड़ के बोलो पढ़ो पढ़ा तिलावत कर कुल औज़ु बिरब्बिन्ना से छोड़ छोड़ के पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار। बच्चे आपका गला बंद, आपको क्या महसूस हो रहा था आज 15 दिन आपका गला बंद था, क्या तकलीफ महसूस हो रहा था आपको? क्या महसूस हो रहा था वो बताया ना। अभी आप पहले क्या महसूस थी ना, हूँ ठीक थी, क्या महसूस थी ना? गला जो वाला निकल रहा
اللہ نکلتا ہے. اچھا ابھی پھر سب نے دم کیا, آپ کا گلا ٹھیک ہو گیا, آپ فرق پڑے آپ کو, تو اب بازو ہلائے نہ پاؤں ہلائے, پیر تو دل تو کر او تو پیر نہیں لتا لتا مت کر بازو ہاتھ 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 او تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو شفا دے.